नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद और स्वागत है आप सभी का एविएशन शाला में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की कुछ एरोस्पेस या फिर स्पेस स्टार्टअप्स के बारे में जिन्होंने भारत का नाम एविएशन सेक्टर में ऊंचा किया है। मैं पहले ही बता दूं कि इसमें से कोई कंपनी एरोनॉटिकल स्टार्टअप नहीं है, उसके लिए मैं बहुत जल्दी अलग से और एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्काईरूट एरोस्पेस, ये कंपनी पवन कुमार चंदना जो इस कंपनी के सीईओ भी है और नागा डाका ने मिलकर जून 2018 में शुरू की थी। ये कंपनी लॉन्च व्हीकल बनाने का काम करती है, यानी रॉकेट बनाने का काम करती है। विक्रम 1, विक्रम 2 ये इनके सक्सेसफुल रॉकेट्स रह चुके हैं। अभी ये विक्रम 3 पर काम कर रहे हैं जो 700 किलो का पेलोड लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे। अगर ऐसा होता है तो विक्रम 3 ऐसा पहला रॉकेट होगा जो 700 किलो का पेलोड लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजेगा। बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू की, तो वो है $4.4 मिलियन जो होता है 31.5 crores इन इंडियन रुपीस। इस कंपनी का हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में लोकेटेड है। ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी संजय निकांती जो इस कंपनी के सीईओ भी है, नारायण प्रसाद और अभिषेक राजू ने मिलकर नवंबर 2012 में शुरू की थी। संजय निकांती यूरोप से अपना एजुकेशन ख़त्म करके आने के बाद इंडिया में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते थे, लेकिन अकेले स्टार्टअप वो चला नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने नारायण प्रसाद और अभिषेक राजू के साथ मिलकर ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। इस कंपनी की सर्विस की बात करें तो वो है AIT ऑफ माइक्रो सैटेलाइट्स, यानी असेंबली इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ माइक्रो सैटेलाइट्स। इनके खुद के कुछ स्मॉल सैटेलाइट्स और सेंसर डिवाइसेस भी हैं। अगर बात करें इनके रेवेन्यू की, तो वो है $3.1 मिलियन जो होता है करीब करीब 22.8 crores इन इंडियन रुपीस। इनका हेडक्वार्टर्स भी हैदराबाद में लोकेटेड है। बेलेट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी नूतन प्रसन्ना ने 2015 में शुरू की थी। अभी इसके CEO रोहन गणपति है। ये कंपनी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट और सैटेलाइट्स के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम बनाने का काम करती है। गरुड़ा जो इनका पहला लॉन्च व्हीकल था वो काफ़ी सक्सेसफुल रह चुका है। अभी ये कंपनी चेतक नाम के अपने दूसरे लॉन्च व्हीकल पे काम कर रही है। चेतक लो कॉस्ट और रियूजेबल लॉन्च व्हीकल होगा क्योंकि इसमें नेक्स्ट जनरेशन कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है और यह ऐसा पहला रॉकेट होगा जिसके इंजन मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन से चलेंगे। इस कंपनी ने अपना खुद का इलेक्ट्रिक सैटेलाइट प्रोपल्शन सिस्टम भी बनाया है जिसे ये लोग MET यानी माइक्रोवेव इलेक्ट्रोथर्मल थ्रस्टर भी कहते हैं, जो पुराने केमिकल थ्रस्टर से कई अच्छा है और ज़्यादा देर चलता है। बात करें इस कंपनी के रेवेन्यू की, तो वो है $5 मिलियन जो करीब करीब होता है 36.7 crores इन इंडियन रुपीस। इनका हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में लोकेटेड है। मनस्तु स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी तुषार जाधव जो इस कंपनी के सीईओ भी है और आहितेश कुमार ने मिलकर अप्रैल 2017 में शुरू की थी। ये कंपनी एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोपल्शन सिस्टम बनाने का काम करती है। ग्रीन प्रोपेलेंट जो इस कंपनी का एक प्रोडक्ट है वो अभी के प्रोपेलेंट से बहुत ज़्यादा नॉन कार्सिनोजेनिक और लेस टॉक्सिक है। ये सैटेलाइट का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम कर देता है क्योंकि इसकी वजह से सैटेलाइट का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है और सैटेलाइट का साइज जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से लॉन्चिंग का खर्चा भी बच जाता है। बात करें इस कंपनी के रेवेन्यू की, तो वो अभी 1 मिलियन से कम है लेकिन बहुत जल्दी बढ़ सकती है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो महाराष्ट्र के ठाणे में लोकेटेड है। अग्निकुल कॉस्मोस, ये कंपनी श्रीनाथ रविचंद्रन जो इस कंपनी के सीईओ भी है और मोइन SPM ने मिलकर 2017 में शुरू की थी। ये कंपनी लॉन्च व्हीकल बनाने का काम करती है। इनका जो लॉन्च व्हीकल है अग्निबान वो 10 से ज़्यादा लॉन्च पैड से लॉन्च होने की काबिलियत रखता है। अगर बात करें इस कंपनी की रेवेन्यू की, तो वो है $2 मिलियन जो होता है 14.8 crores इन इंडियन रुपीस। इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो तमिलनाडु के चेन्नई में लोकेटेड है। एस्ट्रोम, ये कंपनी नेहा शतक जो इस कंपनी की सीईओ भी है और प्रसाद भट्ट ने मिलकर 2015 में शुरू की थी। ये कंपनी स्पेस से इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करना चाहती है। ये अपने कुछ एडवांस HTS यानी
एडवांस हाई थ्रोपुट सैटेलाइट्स को लॉन्च करके एक कॉन्स्टेलेशन बनाना चाहती है जिसकी मदद से ये इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। अगर ऐसा होता है तो जो हाई इंटरनेट स्पीड हमें अर्बन एरियाज़ में मिलती है वही हाई इंटरनेट स्पीड हमें किसी भी लोकेशन पे मिलेगी। बात करते हैं इस कंपनी की रेवेन्यू की तो वो अभी 1 मिलियन से कम है, लेकिन इनके आइडिया को देखते हुए ये ज़रूर लगता है कि ये बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो कर्नाटका के बेंगलुरु में सिचुएटेड है। अर्थ टू ऑर्बिट और E2O ये कंपनी सुष्मिता मोहंती ने 2007 में शुरू की थी। ये इंडिया की पहली स्पेस स्टार्टअप है। अगर बात करें इस कंपनी के सर्विसेज की तो वो है स्पेस लॉन्च एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये कंपनी अभी तक अपना बिजनेस सेटअप मुंबई, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम और बेंगलोर में लगा चुकी है। सैन फ्रांसिस्को और वियना में इनका सैटेलाइट ऑफिस भी है। अगर बात करें इनके रेवेन्यू की तो वो अभी है करीब करीब 1 मिलियन डॉलर्स यानी 7.35 करोड़ रुपीज़। सैटेलाइज जिसे हम पहले एक्सीड स्पेस के नाम से जानते थे, ये कंपनी महेश मूर्ति और अशर फरहान ने मिलकर 2017 में शुरू की थी। अभी इसके सीईओ अजय जैन है। ये कंपनी फास्ट सैटेलाइट प्रोडक्शन के लिए पॉपुलर है। अगर बात करें इनके सैटेलाइट्स की तो वो है एक्सीड सैट 1 और एक्सीड सैट 2 जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रह चुके हैं। लेकिन इस कंपनी का प्राइमरी फोकस सैटेलाइट के असेंबली, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और ऑपरेशन का है जो ये दूसरे कंपनीज को प्रोवाइड करती है। अगर बात करें इनके रेवेन्यू की तो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पाई है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके हिसाब से ये अभी 1 मिलियन डॉलर से कम है। इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो महाराष्ट्र के मुंबई में लोकेटेड है। पिक्सल ये कंपनी अवैस अहमद जो इस कंपनी के सीईओ भी है और क्षितिज खंडेलवाल ने मिलके 2018 में शुरू करी थी। ये कंपनी अपने कुछ अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स को स्पेस में भेज के मार्स, मून और बाकी एस्टेरॉइड्स के ऊपर वाटर, मिनरल और बाकी रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन निकालना चाहती है। इस कंपनी ने अपने कुछ सैटेलाइट स्पेस में छोड़े हुए हैं जो फिलहाल एग्रीकल्चरल और क्लाइमेटिक चेंज की इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। अगर बात करें इनके फंडिंग की तो वो अभी तक 5.7 मिलियन डॉलर्स यानी 41.96 करोड़ की फंडिंग जमा कर चुके हैं। इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो कर्नाटका के बेंगलोर में सिचुएटेड है। जोवियन ये कंपनी अंकित भतीजा जो इस कंपनी के सीईओ भी है ने 2011 में शुरू की थी। ये कंपनी सैटेलाइट फैब्रिकेशन सस्ते में कैसे किया जाए इसके लिए एडवाइजेस और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अगर इनके खुद के प्रोडक्ट्स देखे जाए तो कैंसर यानी कैन साइज के सैटेलाइट्स जो मल्टीपल पर्पजेस में यूज़ होते हैं, साउंडिंग रॉकेट्स, हाई अल्टीट्यूड बलून्स और बाकी सैटेलाइट पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए हैं। अगर बात करें इनकी रेवेन्यू की तो वो मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से 1 मिलियन डॉलर से कम है। इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो दिल्ली में लोकेटेड है। तो दोस्तों ये थे इंडिया के कुछ एरोस्पेस या स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स। इन्हें छोड़ के और भी कई स्टार्टअप्स इंडिया में है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी है, लेकिन सबको एक ही वीडियो में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने बस वही लिए जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे। बाकी इन सब का नाम और वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा या फिर डिसलाइक का बटन भी है। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स और मेरे अगले वीडियो के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं और नीचे वाला सब्सक्राइब बटन ऐसे ही वीडियोस के लिए ज़रूर दबाएगा। थैंक यू वेरी मच।